कथितानं पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः नम महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि प्रिय वृंदाय कुलदेव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम sitting there if to translate it and listen. You Hindi cover Rati. You know Hindi? Am I in front of the camera? No. I'd rather sit with you, that's okay. I'll understand something. Something? Yeah. Hare Krishna. Sarvapratham, Mare Guru Pad Padma, Nitalila Pravishnam Vishnu Pada Shrutra Sutra Sri, Sri Sri Madhu Bhakti Sri Rupa, सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला वर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील गौरव गोविंद महाराज एवं श्री भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुल प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ऊपर में श्रवण कर रहे थे और जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए राजा जो प्रताप रुद्र राजा थे उनके मन में बड़ी उत्कंठा है महाप्रभु के में दर्शन कर, क्योंकि जो प्रताप रुद्र महाराज वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, क्योंकि सत्य युग में यही इंद्रदुम्न महाराज थे जिन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर को उन्होंने स्थापन किया था। इसलिए ये जन्म जन्मांतर के महाप्रभु का ये भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, जगन्नाथ जी का भक्त है। अभी वही जगन्नाथ जी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए हैं, इसलिए उनको दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा है। लेकिन महाप्रभु राजा विषयी है, इसलिए जो सन्यासी को ये विषयी व्यक्ति का दर्शन नहीं करनी चाहिए। विषयी मतलब क्या है? जो हर समय भोग में रहते हैं, राजा है ना, हर समय जो भोग में रहते हैं। इसलिए जैसे व्यक्ति को हम दर्शन करते हैं हमारे मन में भी वैसे भावना आ जाती है। कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया घर में रह रहे हैं, बढ़िया दुकान, बढ़िया मकान, बढ़िया कोई चीज पहनता है ना, उसको देख करके हमारे मन में क्या चाहता है, भैया हमारे भी ऐसे घर होने चाहिए, है ना, हमारे भी ऐसे पहनने के लिए अमुक व्यक्तिगत का बढ़िया साड़ी पहन, बढ़िया सूट सलवार वाले हम भी कब ऐसे पहने। इसलिए नियम है भक्त लोगों को ऐसे विषय का दर्शन, भोगी व्यक्ति का दर्शन करने से हमारे हृदय में भी भोग की वासना आती है, इसलिए सन्यासियों को इस चीज से दूर रहनी चाहिए है? इसलिए महाप्रभु ने मना की। लेकिन एक राजा क्या बोले, महाप्रभु का दर्शन नहीं होगा तो हम कान में कुंडल पहन करके सन्यास लेकर के हम संत बन जाएगी, ये सारे भोग सुख में त्याग दे दूंगा। अगर मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुआ, महाप्रभु का शिक्षा देते हैं, देखो ये जीवन की तभी सार्थकता है
जब इस जीवन पा करके भगवत दर्शन का जीवन में भगवान की भक्ति है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं जैसे किसी प्रेमी व्यक्ति को है, जैसे अब जैसे भगवान को प्रेम करते हो, प्यार करते हो, अगर उनका दर्शन नहीं मिले ना, फिर तो भक्तों का हृदय निराश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, यज्ञ पत्नियों की उदाहरण यहाँ पर दिया है। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए भाद्रपद पहुंचे, वहां पर सखा ने बोले कन्हैया पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, समझ रहे, बड़े भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था करो। कृष्ण ने बोले चिंता क्यों करता हो, जाओ पास में, ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी सब के सब यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे मांग करके लेकर के आओ। बोले यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हैं, है वो भूखे है, अब आपको पास में कुछ भिक्षा मांग रहे, भात भिक्षा मांग रहे। जब उन्होंने वहां पर गए और उनको भिक्षा मांगे ना, लेकिन उन लोगों ने उस चीज को अनसुना कर दिया, सुन करके भी उन्होंने अनसुना कर दिया। जब अनसुना कर दिया वो वापस आए, जो प्रभु आप तो बोल रहे थे बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन आपका नाम सुन करके भी वो तो अनसुना कर दिए। बोले एक काम करो, जो भिक्षा मांगते है ना, कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, कहीं तो बड़े आदर देते हैं, कहीं अनादर करते हैं, इसलिए भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों को दुखी नहीं होनी चाहिए। और एक काम करो, उनको पत्नियों के पास में जा, बोले देखो कहाँ भेज रहे हैं, जो लोग त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी, मतलब क्या, जो दो वेद को जानने वाले, तीन वेद व चार वेद को जानने वाले हैं, जो जन्म संस्कार ब्रह्म गायत्री जप करते हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान है, जब ये कृष्ण को नहीं समझे। अब जो स्त्री है जो अपवित्र रहने वाली, जिनको वेद में अधिकार नहीं, जिनको जन्म संस्कार तक भी नहीं हुआ, कहते उनको पास में जाओ, अनपढ़ घर में, पहले स्त्रियां तो स्कूल कॉलेज जाती नहीं थी, पुरुष लोग पढ़ते थे, माताएं घर के सारे काम करती थी, बोले ये अनपढ़ ग्वाले ये सब के सब ये कहते भिक्षा देगी। और जो इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं समझे, कृष्ण ने कहा देखो जो भक्ति है ना, ये विद्वत का ऊपर में भक्ति निर्भर नहीं करता है, भक्ति तो प्रेम है, हैं? इसलिए जो भक्ति है ना वो प्यार प्रेम को ऊपर निर्भर करता है। ये मत समझो लिखा पढ़ा सीखने पर ही भक्ति होगा, और जो पढ़े लिखे नहीं उनके हृदय में भक्ति नहीं, कैसे नहीं, भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता है। जाओ उनको पत्नी के पास में जाओ। सचमुच से सखा लोग जब आए ना, कृष्ण बोले जाओ एक बार, जब उनको घर में आए ना, सचमुच से दूर से सुना, सबके सब जितनी यज्ञ पत्नियां हाथों में तो काम कर रही थी घर की, लेकिन मुंह में ना कृष्ण का नाम ले रही थी। जब सचमुच से आए दूर से उन लोगों ने सुना, बोले गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे हे कृष्ण हे जा तब हे सकेती गोविंद दामो धर्माधवे। सब हाथ में काम कर रहे थे और मुंह में ठाकुर जी की नाम ले रहे थे। सखाओं ने बोले देखो कन्हैया सही बोल रहा था, देखो दूर से हमारी कन्हैया का कीर्तन आपकी आवाज आ रही है, हमारी कन्हैया का नाम ले रहे, सचमुच से बात सही है। सचमुच जब वहां पर आए और बोले ये पास में कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, आपसे कुछ भोजन मंगवा रहे हैं। लेकिन आप कृष्ण बलराम ये पास में आए, बोले हम पास में आए, एकदम पास में, बोले हम उनको दर्शन कर सकते हैं, बोले अरे उन्होंने तो भेजा, बोले अपना हाथ से खिला सकते हैं, बोले आपसे ही तो उन्होंने मांगे हैं, क्योंकि वो कभी भी सोच नहीं पा रहे थे, कभी क्यों उन्होंने सुना है ना, क्या सुने, कृष्ण जब छह दिन के थे उन्होंने उतना मारे, जब उन्होंने एक महीना के थे उन्होंने सकटासुर को मारे, तीन महीना में तृणावर्त को मारे हैं, तृणावर्त को मारे, और उन्होंने जो अघासुर बकासुर को जो पछाड़ दिया, जब उन्होंने गिरिराज को धारण किया 7 साल उम्र में, हे भगवान 7 साल उम्र में इतनी बड़ी गिरिराज धारण, 7 दिन तक सुन सुन करके ना इनके हृदय में कृष्ण दर्शन की इतनी उत्कंठा जग रहा था, इतने उत्कंठा जग रहा था, लेकिन कंस की डर से कोई नहीं आ पा रहे, कंस यहाँ से निकाल देगा आपको, इसलिए कोई डर के मारे नहीं आ पा रहे, लेकिन मन में बड़ी इच्छा कब कृष्ण दर्शन मिले, कब कृष्ण दर्शन मिले।
लेकिन जब सुने कृष्ण पास में आए ही बोले तब तो फिर कृष्ण को दर्शन के लिए जानी ही चाहिए हैं। वो जितने सब यज्ञ के लिए बना था ना, लड्डू कचौड़ी मालपुआ है रसमलाई, इतने बढ़िया बढ़िया बनाए था यज्ञ के लिए, वो सबके सब उन्होंने उठाया और उठा करके जैसे नदी समुद्र के तरफ में भागती है ना, ऐसे ही जितने सबके सब ब्रज गोपियां सबके सब लेकर के चल पड़े। जब चल पड़े इतने में किसने जाकर के ब्राह्मण को बोले, बोले तुम लोग तो यहाँ स्वाह स्वाह लगे हुए हो, इंदिरा है स्वाह, वरुणा है स्वाह, जानते हो क्या हुआ? बोले क्या है? बोले यज्ञ के लिए जितने लड्डू कचौड़ी बना था ना, ये सबके सब लेकर के तुम्हारी स्त्रियां कृष्ण के लिए ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही चोटी खड़े करके दौड़ी सबके सब वहां सबके सब चोटी खड़े करके सबके सब दौड़े, बोले कहाँ जा रहे हो? अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ दोगे सबके सब, घर से निकलना नहीं, ये यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी सबके सब संदेश बना हुआ है, कितने बढ़िया बढ़िया बनाया, और तुम वो ग्वाला को खिलाने के लिए ले जा रहे हो, खबरदार यहाँ से निकल नहीं सकते हो। अगर घर से निकलोगे ना घर में घुसने नहीं देंगे तुम लोगों को। लेकिन उन लोगों ने बोले तुम्हारे घर में और घुसेंगे नहीं, हम तो कृष्ण के पास में रहेंगे हैं, कृष्ण पास में आए हैं, जरूर हम उनको भोजन कराने के लिए ले जाएंगे। वो सबके सब लेकर के आए कृष्ण के लिए हैं, सबके सब कृष्ण को लेकर के आए, कृष्ण को उन लोगों ने कृष्ण दर्शन किया, कृष्ण को उन्होंने भोजन कराए। बोले श्यामम हिरण्य परिधि बनमाल वरहा धातु प्रवाल नट वेश मनोव्रतांसे। कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं भागवत में तीन जगह में कृष्ण की सुंदरता वर्णना की है तीन व्यक्तियों ने। बोले कौन कौन वर्णना की है? बोले एक तो द्विजो पत्नी ने कृष्ण को रूप देख करके श्यामम हिरण्य परिधि बनमाल वरहा, कैसे ठाकुर जी बड़े सुंदर पीतांबर पहने हुए, सर पर कैसे मुकुट मर मुकुट लगाए, ठाकुर जी कैसे गले में वर्णमाला कैसे धारण किए हैं, बड़े सुंदर रूप में कृष्ण के रूप, कभी ये एक है। बोले दूसरा जो रूप वर्णना की गई है, बोले पितामह ब्रह्मा जी हैं, जब कृष्ण को उन्होंने दर्शन किया, बोले नौ मिटते अभ्र बभु से तड़िताम्बराय गुंजाब तंस परिपीच लसत मुखाय है, एक ब्रह्मा जी ने। बोले तीसरी जो कृष्ण की जो रूप की महिमा किसने की? बोले श्री राधा रानी, ब्रज की गोपियां और राधा रानी इन्होंने भी कृष्ण के रूप का वर्णना किया। वो क्या कहती हैं? बोले बरहा पिडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम बिव्रत वास कनक कविषयम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। तो गुरुदेव इसको पर कहते हैं, बोले देखो जो जैसे भक्त है ना उनको मुंह से वैसे ही भाव निकलता है, वैसे भाव जैसे ब्रह्मा जी वो किस तरह का भक्त है? ऐश्वर्य मार्ग जो भगवान भगवान मानते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा क्या जानते? कृष्ण समस्त कारणों का कारण, इसलिए सर्वप्रथम उनका जो शब्द निकलता नौमी प्रणाम, जो दास रस के भक्त होते क्या प्रणाम तो करते हैं ना, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम नौमी इड्यते, प्रभु आप हमारे पूज्य हो, हम हमारे प्रभु हो, इसलिए आपको चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते जो द्विजो पत्नी इनका जो पहला शब्द है, बोले श्यामम हिरण्य परिधिम, इनका जो पहला शब्द है श्यामम, क्योंकि कहते श्यामम शब्द पहले क्यों आया है? बोले क्योंकि ये लोग कृष्ण को उपासना करने वाले, ये सब कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष होने के नाते इसलिए इनकी जो सबसे पहला जो शब्द आया है, बोले श्यामम हिरण्य परिधिम, श्याम शब्द आया है। फिर देखो गुरुदेव कहते हैं राधा रानी जो बोले ये चीज को देखो, ये ब्रज की गोपियों ने जो गोपी गीत में हैं, उन्होंने जो जो वेणु गीत में जो श्लोक बोले हैं उसका शब्द देखो क्या कहते हैं। बोले वो कहते हैं, बोले बरहा पिडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम, इन्होंने जो शब्द पहले निकला ना, इनका जो शब्द है बरहा पिडम
कहते कृष्ण के सर पर क्या लगा हुआ, बोले मोरपंख, बोले मोरपंख है सबसे पहले यही, बोले मोरपंख क्यों लगाए, इसलिए महाप्रभु जब बहुलावन में पहुंचे देखा मैना और तोता में लड़ाई हो रही है, एक तरफ में मैना और एक तरफ में तोता, तोता कहता है जानते हो मैना, बोले क्या है जानते हो, बोले हमारी श्याम सुंदर क्या कौन पंख धारण किया, बोले मोर पंख धारण किया, मैना क्या कहती है, बोले जानते हो मोर पंख क्यों धारण किया, पंख तो बहुत ही है, मयूर पंख क्यों धारण किया, क्योंकि उसमें हमारे श्री किशोर जी की राधा जी का नाम लिखा हुआ है, राधा जी की उसमें नाम लिखा हुआ है, इसलिए मानो कृष्ण राधा जी की जो नाम को सर पर धारण किए हुए हैं, इसलिए तोता क्या कहता है हमारे कृष्ण गिरिराज उठाया था, मैना क्या कहते चुप रहा कृष्ण गिरिराज उठाया, बोले कौन उठाया था, तब मैना कहती बताओ उन्होंने जो उठाया कौन सा हाथ में, बोले बाम हाथों में, बोले कौन सा अंगुल, बोले बाम अंगुल, बोले उठाया कैसे, बोले शक्ति से, बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, अरे बोलो जोर से, बोले राधा रानी की, इसलिए गिरिराज उठाया किसने, राधा रानी ने गिरिराज को उठाया था, हैं, इसलिए उन्होंने सबके सब श्री राधा रानी के लिए बताया, इसलिए कृष्ण क्यों मयूर पंख धारण करते हैं, कारण है उसमें श्री किशोर जी के नाम लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण ये मयूर पंख को धारण करते हैं, इसका बहुत सारे कारण बताए कृष्ण मयूर पंख को क्यों धारण करते हैं, कारण क्या है, दूसरा कारण बताए जो आप कभी बरसाना गए होंगे, गौरवगढ़ की परिक्रमा लगाए होंगे, वहां पर एक मयूर कुटी देखे हो, देखे ना, ये जो मयूर कुटी है उसका नाम मयूर कुटी का क्यों नाम पड़ा है, कारण है कभी श्री राधा और कृष्ण दोनों मयूर और मयूर बने थे, और मयूर बन करके उसके ऊपर उन्होंने नृत्य किया था, इसलिए वो कुटी का नाम है मयूर कुटी, कभी राधा रानी भी ये मयूरणी बनी थी, इसलिए कृष्ण जो मयूर पंख धारण करते हैं वो केवल राधा जी की स्मरण के लिए, ये मयूर पंख को राधा जी की स्मरण के लिए केवल धारण करते हैं, इसलिए कहते दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या है, पर जो मयूर ब्रह्मचारी ये कभी स्त्री का संग नहीं करता है, जो मयूर क्या होता है, मयूर जो नृत्य करता है उसका ब्रजस्खलित होता है, ब्रजस्खलित होने पर जो मयूरणी वो ब्रज को खा करके गर्भ में बच्चा होता है, इसलिए उनको माने ये ब्रह्मचारी, और भगवान ब्रह्मचारी को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कहाँ पर धारण किया, उन्होंने सर के ऊपर धारण किया, इसका चौथा कारण बताए, एक समय कृष्ण जा रहे थे देखा मेन रोड के ऊपर एक मयूर पंख पड़ा हुआ था, मयूर पंख ने क्या बोले कन्हैया मैं जिसको पीछे लगा हुआ था ना देख मेरे को उसने त्याग दे दिया, मैं मेन रोड में पड़ा हुआ देखा मेरा क्या दुर्गति है, उसको बोले चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई सहारा नहीं देता ना सहारा देने वाले हैं, इसलिए कृष्ण ने क्या किया मयूर पंख उठाया और सर पर लगा दिया, मतलब क्या है जगत में जिसका कोई सहारा नहीं अगर सहारा देने वाले हमारे श्री वासुदेव दिया है, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं, कहते इसका पंचमा कारण क्या है, कृष्ण ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, बोले पंचमा कारण बताए मयूर पंख धारण करने का, कहते जो मयूर है कहते उसको अंदर में एक मित्र से राधा जी का नाम लिखा हुआ, आप देखना जो मयूर पंख में सात रंग है, देखे कि नहीं उसमें सात रंग है, जैसे आप देखना कि जो आकाश में ये होता है ना उसको क्या बोलते हो, धनुष, इंद्रधनुष, अब देखे हो इंद्रधनुष, अब देखना ये इंद्रधनुष कब, इंद्रधनुष कब चलता है, जब रिमझिम रिमझिम बारिश हो और एक तरफ में सूरज हो, रिमझिम रिमझिम बारिश हो ना, देखना ठीक उल्टा तरफ में ये इंद्रधनुष होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रेनबो, देखना वो उल्टा तरफ में होता है, हैं, इसलिए माने अब देखना मयूर पंख में वो सात तरह का रंग, इंद्रधनुष का रंग मयूर पंख में, इसलिए कृष्ण का कैसे कैसे काले, जैसे काला मेघ इधर रिमझिम बारिश हो, कृष्ण का केस काले है, जब काले मेघ हो ठीक यहाँ पर उनका मयूर पंख होता है, इसलिए मयूर पंख में सात रंग है, सात रंग मयूर पंख में, इसलिए कृष्ण जब ये मयूर पंख को धारण करते हैं मानो कृष्ण का सर पर बड़े शोभायमान होता है ये मयूर पंख है, इसलिए बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहु, कहते कृष्ण का रूप कैसे है उनको बोले नटवर, नटवर मतलब क्या है, शंकर जी को क्या कहते हैं नटराज, शंकर जी नटराज, क्योंकि
कृष्णा नटराज शंकर जी, क्योंकि नाचने वाले में सबसे सुंदर नाचने वाले भोले बाबा, इसलिए उनका नाम नटराज। लेकिन शंकर तो बहुत पहले अभिमान करते थे, मेरे जैसे नाचने वाले दुनिया में कोई नहीं, सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ, इसलिए उनका नाम नटराज है। लेकिन जब कृष्ण कालियों का सर्प पर नृत्य की, कालियों का 100 सर था, एक साथ में कालियों कृष्ण को काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, एक साथ में 100 सिंह को बचाना पड़ेगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जब जब कोई सर ऊंचा करे ऐसे मारते थे प्यार में, एकदम कुचला देते थे उसका सर को। इतने तेजी से कृष्ण उनके सर पर नृत्य किया, जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे इतने में स्वर्ग से सारे देवता लोग सबके सब उतर करके आ गए, सबके सब मृदंग मजीरा करता लेकर के वीणा लेकर के कृष्ण नृत्य कर रहे थे, और ये सबके सब बाजा बजा रहे थे। और सूरदास क्या कहते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पहु पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधु आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब देत थाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी बोले, प्रभु पहले तो मैं सोच रहा था मेरा नाम नटराज है, सबसे बढ़िया नाचने वाले, बम बम बलिहारी। शंकर जब देखा है ना, बोले प्रभु बलिहारी हुआ आपको, जय जयकार हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले प्रभु आज से आप हो गए नटवर, नटराज मैं हूँ, लेकिन नट मतलब शंकर जी, वर मतलब पति, बोले शंकर जी के जो पति है कौन है, कहते भगवान कृष्ण, बोले शंकर जी का पति। एक तो उन्होंने बड़े सुंदर नृत्य किया, कृष्ण दिखाया, देखो कोई रस्सी के ऊपर नाचते है, कोई तलवार पर नाचते है, कोई गिलासिया पर नाचता है, कोई सर पर कलसी रखकर नाचते है, लेकिन कभी देखा है सांप के सर के ऊपर भी नाचते है, कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर नाचते हुए किसको देखे हो, कभी नहीं देखे है। इसलिए कृष्ण ने ये चीज को दिखाया, और नटवर मतलब है शंकर जी का वर, बोले कैसे, जब कृष्ण रास करेंगे शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन के लिए जाते हैं, गोपीश्वर महादेव की, तब शंकर जब गोपी बने, गोपियों का पति बनो, अब बताओ गोपियों का पति बनो, कृष्ण हुए ना, इसलिए कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बरापिटम नटवर बपु, प्रभु का कैसे है, कहते प्रभु का जो रूप है नटवर बपु, तीन जगह से टेढ़े कृष्ण है, इसलिए सुंदर नाचने वाले नटवर बपु करने वो कर्णिकारम। कहते कृष्ण का दो कान है, ये दो वचन आया, लेकिन कर्णिकार एक वचन आया, मतलब दोनों कानों में वो एक कनियर फूल पहनते हैं, बोले एक कनियर फूल क्यों पहनते, कारण क्या है, बोले कारण है कृष्ण जब रहते हैं नंदगांव में ना, गोपियां वहां पर कृष्ण के लिए राधा रानी रसोई बनाने के लिए आती है, इसलिए राधा जी को साथ में तो कृष्ण की डायरेक्ट शादी हुई नहीं, शादी यद्यपि गंधर्व विवाह शादी हुई है, इसलिए कृष्ण नहीं बोल सकते हैं आज मैं किधर गोचारण करने के लिए जा रहा हूँ, आज तुम्हारी हमारी कहाँ पर मिलन होगी, कहाँ कुंज बनाएंगे, कृष्ण उनको नहीं बोल सकते हैं, इसलिए एक कान में जब लगाते हैं ना, अगर कृष्ण जिधर जाएंगे कनियर फूल देखे हो कैसे, कैसे देखना है, ऐसे कनियर फूल, कृष्ण जिधर जाएंगे ना और उसी कान पर ऐसे लगा करके ऐसे कर देते थे, गोपियां आज इधर आ जाए, आज इधर जाल का बचाने करने के लिए वहां पर मिलन होगी, इसलिए दो कान में एक कनियर फूल, और दूसरा कान बताए कि उनका आडा अल्हड़पण है, अल्हड़पण मतलब अब देखना जब जवान बच्चे एक साथ में जाते हैं ना, और छाती गोथाम खोल करके और मस्त होकर के चलते हैं, जब यंग बच्चे जब चलते हैं अरे एकदम मस्ती होकर, कभी इधर फूल लेकर इधर लगा दे, कभी इधर ला कर इधर लगा दे, मस्ती से कृष्ण चलते हैं, इसलिए बोले करने वो करने कारम, बोले बिभ्रत वास, कहते उनका जो बसन है कैसे रंग की है, बोले पिताम्बर,
है पीताम्बर। बोले पीताम्बर क्यों धारण करते हैं? बोले कारण है राधा रानी का जो रंग है तब तक अर्चन गौरांगी। इसलिए मानो कृष्ण राधा जी के प्रति जो उनका प्रेम है ना, ये प्रेम को यहाँ पर प्रकाश करते हैं, मैं राधा जी को कितने में प्रेम करता हूँ। इसलिए राधा रानी कौन सा रंग पहनती है? बोले नील वसना गौरी। कहते राधा रानी का जो वस्त्र का रंग नील वस्त्र, क्यों? कृष्ण का जो रंग है वो नील वस्त्र है, हैं? मानो दोनों के प्रति जो प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहते विभ्रत वासम है, इसलिए कहते जैसे काला मेघ, देखना मेघ तो काला सुंदर दिखना है लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है ना उसमें और भी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए कृष्ण तो श्याम रंग के है ही है लेकिन इनका वस्त्र कैसे बिजली चमकती है, जैसे काले शरीर में बिजली जैसे चमकती है ऐसे कृष्ण को शरीर में जैसे स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब जैसे आकाश में मेघ देखे हम विद्युत आता है हठात आकर अंतर ध्यान हो जाता है, हठात अंतर ध्यान हो जाती है। लेकिन कृष्ण का शरीर में जो पीताम्बर है मान एकदम स्थिर विद्युत रूप में स्वाभिमान देता है, हैं? जैसे इधर उधर नहीं। इसलिए बरा पिता करने वो करने कारम विभ्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती च माला। कृष्ण की गला में जो माला है कभी सात रंग के कभी पांच रंग के। बोले सात रंग पांच रंग के क्यों पहनते हैं? बोले कारण है उनका जो मुख्य रस पांच है, जो गले में पांच रंग की माला पहनते हैं वहां पर बताए जो शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, पांच तरह का मुख्य रस है। इसलिए वहां पर बताए कौन सा रंग कौन सा रस को प्रकाश करता है। एक एक जो रंग है ना और एक एक रंग है और एक एक भाव को प्रकाश करता है, हैं? रस को प्रकाश करता है। और कभी कभी जो सात रंग उनका गौण सात रस है। इसलिए माना सारे भक्तों को भगवान अपना हृदय में सारे भक्तों को ठाकुर जी धारण करके रखे हैं। इसलिए विभ्र कनक कपिशम वैजयंती च माला बल रंध्रान वेणु रधर सुधया, बल रंध्रान वेणु रधर सुधया। कहते भगवान क्या करते हैं? बड़ी सुंदर भगवान बंसुरी बजाते हैं। कहते बंसुरी क्यों बजाते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कहते बंसी में दो गुण है। किसका फोन बज रहा है? इसलिए फोन फोन बंद कर दे सब। इसलिए बोले कृष्णा ये बंसुरी क्यों बजाते हैं? कहते जो बंसी में ना दो गुण है। कितना गुण है? अरे बोलो जोर से। अगर हमारी अंदर में दो गुण आ जाए ना कृष्णा हमें भी बजाना शुरू कर देंगे। अरे कृष्ण के पास हम भी रहना शुरू कर देंगे, कृष्ण के पास में हम भी रहेंगे, कृष्ण हमें छोड़ेंगे नहीं कभी। बोले उसमें दो गुण किया है। बोले पहला गुण है आप देखना जो बंसुरी ना उसको बीच में फोला खाली खाली है ना, मतलब उसका हृदय में कुछ है ही नहीं, खाली हृदय है, हैं? सिख्या देते हैं भगवान के पास में आओ ना दिल खाली करके आओ, भर करके नहीं। लेकिन हम तो आते हैं भगवान के पास में लेकिन ऑलरेडी हमारे दिल में बहुत कुछ चीज भरा पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार ईर्षा द्वेष ऑलरेडी हमारे हृदय में भरा पड़ा हुआ है। फिर ठाकुर जी भरेंगे किसे? ऑलरेडी तो भरा पड़ा तो भरेंगे कहाँ से? खाली हो तो ठाकुर जी भरेंगे ना। इसलिए पहला शिक्षा दिया है हृदय को ठाकुर को पसंद में खाली करके आओ। बोले दूसरा क्या है? बोले ठाकुर जैसे चाहते है ना वो बंसुरी वैसे ही बजती है। जो कथा होना प्रभु जी कोशिश करनी चाहिए ज्यादा इधर उधर नहीं घूमने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते दूसरा गुण क्या हो गया? अरे बोलो कोई कोई सुनते नहीं आप लोग। दूसरा गुण क्या है? कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती है, मतलब भगवान जैसे चाहे अगर हम वैसे चले ना बस काम करेंगे। लेकिन ठाकुर चाहते एक लेकिन हम चाहते और एक। ठाकुर जी क्या चाहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मुक्तोऽस्मि माम। भगवान ये चाहते हैं तो सारे धर्म को छोड़ करके एक अनिष्ट होकर मेरे पास में आ जाए। ठाकुर कही बाबा है इसलिए मन मना भव। ठाकुर क्या कहते हैं? मन और किसको? मत दो मन मुझे दो। मत भक्त भव, भक्त किसका बनना?
कृष्ण का ही भक्त बनना। माम जाजी, पूजा किसको करनी? मेरी पूजा करना। माम नमस्कुर, नमस्कार किसको करना? मेरे को करना। करोगे तो माम एससी कृष्ण कैसे, तभी तो मेरे को प्राप्त करोगे ना, नहीं तो कैसे प्राप्त करोगे। लेकिन कृष्ण तो ये चाह रहे, लेकिन हम क्या चाह रहे? हम तो हमारे मन पता नहीं और कहाँ कहाँ बंटवारा हो गया, कितने को पास में हमारी मन चला गया, मन कहाँ कहाँ हमारी बड़ा हुआ है। और भक्त तो पता नहीं कृष्ण को भी भक्ति करते सारा दुनिया देवादेव को भी गुजरात पूछता है। माम जाजी नमस्कार, सारे अहंकार छोड़ करके कृष्ण को प्रणाम करनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में अहंकार है। इसलिए कहते हैं अगर हमारे अंदर में दो गुण हो जाए ना, दो गुण अगर हमारे अंदर में आ जाए, कृष्ण भी हमें बजाना शुरू कर देंगे, हैं? कृष्ण भी हमें बजाएंगे। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं, अगली जीवन में और मैं राधा ही बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी, बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण गोप, हम गोपी, कृष्ण के अधरामृत में हमारी अधिकार है, लेकिन ये बंसुरी को देखो, हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे अधिकार को यही छीन रहा है। कृष्ण का होंठ कितना सुंदर है, एकदम बिंब फल जैसे, बड़ा सुंदर लाल बिंब फल जैसे, लेकिन देखो ये बंसुरी सारे कृष्ण के अधरामृत को वही चूस रहा है। और चूसते चूसते कृष्ण का होंठ देखो पड़ गया क्या, नीला पड़ गया, मतलब सारे रस उसने चूस लिया है, सारे रस को वही चूस लिया। इसलिए राधा रानी कहती है चलो हम चलते हैं किसको पास में, पौर्णमासी के पास में, क्योंकि उसको पता है ये बंसी पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है जो कि बंसुरी बन करके आई। हम भी ऐसे तपस्या करेंगे, तपस्या करके ना हम बंसी बन करके आएंगे, क्योंकि कृष्ण बंसी कभी छोड़ते नहीं, कभी छोड़ते हैं देखना, कभी अधर पर, कभी हाथ पर, कभी कमर में है। और कृष्णा जब गिरिराज को धारण किया, कैसे धारण किया आप देखना, पूरा सीधा स्ट्रीट खड़ा रहे, लेकिन पता नहीं बंसुरी में कितना भोजन है। जब ये बंसुरी बजाते ना, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो जाते, कृष्णा तीन जगह से टेढ़े हो जाते जो बंसुरी को बजाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं देखो कृष्णा बंसी की कितने सेवा करते हैं, बंसुरी कैसे धारण करते हैं, मेरे तरफ देखो ऐसे धारण करते हैं बंसुरी को, जब धारण करते हैं कहते जैसे कि राजा महाराजा की सेवा, जैसे एक महाराज क्या करता है डल्लभ गद्दी के ऊपर सोता है, कृष्ण का अंगुल कितने मुलायम, कितने कोमल कृष्ण का बंसी हाथ है, उसको ऊपर रखते हैं, बोले तकिया, बोले उनका होंठ तकिया है, जैसे राजा सो रहे हैं, फिर उनको कोई सेवक को प्यार दबाता है ना, कृष्ण अंगुल दबाते हैं, बोले अंगुल नहीं दबा रहे उसका प्यार तो दबा रहे, सेवा कर रहे हैं। उसको कान में कुंडल है, कुंडल किया, जैसे राजा को सर पर छत्री धारण करते हैं ना, छत्री धारण करते हैं, मानो ये छत्री कुंडल ऐसे होता है ना, छत्री धारण करते हैं, आंखों का जो पलक झपती है, बोले पलक नहीं झप रही है, उनको हवा करते हैं, उनको हवा करती है, ये बंसुरी कितने भाग्य हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अधर सुधया, कृष्ण क्या कर रहे हैं, सारे अधर सुधा को ये बंसुरी के अंदर में, सबके सब अधर सुधा को बंसुरी के अंदर में उन्होंने दे दिया है। इसलिए रंध्रान बेणु रधर सुधया पुरयर गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राप्त गीत कीर्ति, कहते वृंदावन धाम की महिमा को देखो। अब देखना भगवान के जितने से अवतार हुए ना, जहाँ द्वारका में, मथुरा में जब रहे, अयोध्या में, बैकुंठ में, भगवान हर्ष में जूती, भगवान की जूती धारण करते हैं, है ना, भगवान केवल वृंदावन में कृष्ण जूती नहीं पहने, खाली प्यार में ठाकुर जी भ्रमण की। इसलिए जब कृष्ण चलते थे, कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह होता था, जब कृष्ण चलते थे ना, उनका चरण चिन्ह को पृथ्वी धारण करते हुए अपना सौभाग्य, मैं कितने भाग्यवती देखा वृंदावन में, हाँ कृष्ण खाली प्यार में चलते उन्हें से चिन्ह है, जब चलते है उनका सारा चिन्ह पृथ्वी के ऊपर में सारा चिन्ह पड़ता है, मानो पृथ्वी कृष्ण की चरण चिन्ह को हृदय में धारण करती है। कहते जो घास है ना, वो घास नहीं, जैसे कृष्ण का चरण स्पर्श होती पृथ्वी, इनका जो रोंगट है ना वो खड़े हो जाती है, रोंगट जैसे खड़े हो जाती है ना, कहते ये घास नहीं, मानो इनका रोंगट खड़े हो रहा है। कहते झरना नहीं, जैसे हम ज्यादा प्रेम में ज्यादा द्रवीभूत हो जाए ना हृदय, आंखों से आंसू झरना शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू झरती है, कहते आंखों से इसके आंसू झर रहे हैं,
इसलिए हर कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जितने सारे सखा बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जोर से कोई जे ही बोल रहे, जोर से बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। इसलिए गुरुदेव कहते थे यद्यपि ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, यद्यपि यज्ञ पत्नियां भी स्तुति की है कृष्ण की, लेकिन गुरुदेव कहते थे लेकिन राधा रानी जो स्तुति की है, राधा रानी ने जो कृष्ण की महिमा वर्णना की है ना, कहती सर्वश्रेष्ठ वर्णना श्री राधा रानी की। इसलिए सबके सब यज्ञ पत्नियां आई कृष्ण का रूप देख करके, कृष्ण को बड़े सुंदर स्तुति की, भगवान को सुंदर उन्होंने पकवान जो बना बना कर लाई थी, बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी को खिलाया, जब खिलाए कृष्ण संतुष्ट हो गए, बोले अभी तुम लोग घर में वापस चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर में वापस चले जाओ। बोले प्रभु हम घर में लड़ाई करके आए हैं, हम लड़ करके आए हैं सबके सब, इसलिए पति लोग आने नहीं दे रहे थे, यज्ञ के लिए जितना लड्डू कचौड़ी बना था ना सब आपके लिए लेकर के आए, और बोल रहे थे घर से निकलोगे तो टांग तोड़ दोगे, घर में घुसने नहीं देंगे, हमने बोल करके आए तुम्हारे घर में नहीं आएंगे सबके सब, हम तो कृष्ण के पास में रहेंगे, बोलकर लड़ाई करके आए इसलिए और घर में नहीं जाएंगे। लेकिन जब इन लोग आए ना कृष्ण के पास में, उस समय भगवान बोले स्वागत महाभागा, भगवान स्वागत किया है, स्वागत ठाकुर जी ने किया, केवल स्वागत शब्द तो उस दो जगह पर प्रयोग करते हैं, एक तो ब्रज गोपियों को और एक प्रयोग करते हैं ये यज्ञ पत्नियों को, दो बार स्वागत शब्द। बोले क्यों ये दो व्यक्ति को क्यों स्वागत किया? बोले इसलिए स्वागत किया इन लोगों ने कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भजन के लिए इन लोगों ने सबको त्याग दिया है, जो कृष्ण कहते हैं ना सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ करके मेरे शरण में आओ। ये दोनों व्यक्तियों ने ये सारा दुनिया की झंझट को त्याग करके हैं, सब त्याग करके शंकर जी पार्वती को कहते हैं तो गृह तार जो अति जंजाला ते अति नया सप्लस जंजाला, शंकर जी कहते पार्वती अगर भगवान की कथा कहीं हो ना पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए, भगवान की कथा के लिए बोलो कितने तरह तरह का बहानबाजी करेगी, हमारे ये काम पड़ गया था, वो काम पड़ गया था, वो काम पड़ गया था, कितने कार्य। शंकर जी बोले गृह कार्य जो अति जंजाला, अत्यंत तो जंजाल ये संसार की है, कितने सारे जंजाल संसार में है, कितने सारे जंजाल। शंकर जी कहते हैं बोले पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई, राम कृपा जब तक ठाकुर का कृपा नहीं हो ना सत्संग में कोई नहीं आएगा। पहले बोल रहा था ना अगर शाहरुख खान आ जाए, सलमान खान आ जाए, हेमा मालिनी आ जाए, देखना कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अब देखना प्यार रखने के जाए नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान की कथा हो तो कितने बहाना करेगी, ये हो गया ये हो गया। इसलिए भगवान स्वागत क्यों कर रहे हैं, स्वागत इसलिए कर रहे हैं, संसार में तो सभी का काम है, ऐसे नहीं किसी काम, सभी का तो संसार में काम है, लेकिन जो संसार का काम को छोड़ करके मेरे लिए जो सत्संग में कोई मेरे लिए आते है ना, वो स्वागत की पात्र है, वो स्वागत की पात्र है। इसलिए ठाकुर जी बोले स्वागत में महाभागा, तुम लोग बड़े भाग्यवान हो जो तुम लोग मेरे पास में आए हो। इसलिए उन्होंने बोले और घर नहीं नहीं जाएंगे, प्रभु आपका चरण में रख लो और नहीं जाएंगे, झगड़ा करके आए। बोले देखो चिंता मत करो, घर में जाओ, अभी घर में जाओगे ना, जो पतियों ने तुमको मना कर रहे थे आने के लिए, देखना तुमको स्वागत करेंगे, तुम्हारी वो स्वागत करेंगे, तुम्हारी वो पूजा करेंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो, जाओ घर में वापस जाओ। जब वापस बोले वापस जाने के लिए सचमुच से इधर क्या हुआ, सचमुच से क्या हुआ, जब इन लोगों ने कृष्ण के लिए सब भोजन लेकर के आए ना, वो जो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी जीवन को धिकार दे रहे थे, हमारे सारे वेद पढ़ना बेकार है, यज्ञ करना सारे बेकार है, हमारे जितने पांडित्य पढ़ाई लिखाई को धिकार है हमारे, क्योंकि समस्त शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र का निचोड़ किया है। इसलिए मीरा कहती है ना पोथी पढ़े पढ़े मुआम भयो पंडित बनाना कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़ा सो पंडित सोई। इसलिए जगत में सबसे बड़ा पंडित कौन है, बोले जो प्रेम रूपी ढाई अक्षर जो पढ़ लिया ना, ठाकुर का भक्ति रूपी जो पढ़ लिया, जीवन में जो प्रभु की भजन कर लिया, वही सबसे बड़ा पंडित है।
सबसे बड़ा वही पंडित लिखाई पढ़ाई की वही सार्थकता है। इसलिए महाप्रभु प्रकाशानंद क्या कहते हैं, जो उन्हें सरस्वती देवी स्वयं स्वप्न दिया, जो महाप्रभु के पास में परास्त हो गई है, महाप्रभु के पास में परास्त हो गई, सरस्वती ने वरदान दिया था पृथ्वी में तेरे को कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन साधारण महाप्रभु के पास में परास्त हो गया, तो जब महाप्रभु के पास में आए तो महाप्रभु क्या बोले, बोले पंडित जी ए देह छाड़िया चली ले, विद्या बा पौरुष समय किछु नहीं चले, मुझे विद्या विद्या लेखा बड़ा सीखा है ना, जब ये शरीर छूट जाएगी तुम्हारी, ये सारे पांडित विद्या सब यही रह जाएगी, कोई काम है तुम्हारे नहीं आएगी है, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएगी। बोले जितने भजन भक्ति किया वही सत्य है, सब कुछ झूठा है, हैं? इसलिए इतना महान तो तुम्हें सर्व परिहरी, इसलिए जिसका सचमुच से मोह दूर हो गया है वो क्या कहते हैं, बोले करे ने ईश्वर पूजा दृढ़ चित्त करी, वो दृढ़ चित्त पूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हैं। सरस्वती फिर क्या कहती है, सरस्वती क्या कहती है, देखो सरस्वती क्या कहती है पंडित जी को, बोले पंडित जी मेरे दो तरह का कृपा है, मैं जिसको सही सही कृपा करती हुए ना उसको मैं भगवान तक पहुंचा देती हूँ। आज जो महाप्रभु से तुमने मिले हो मेरे प्रभु, समझना तुम्हारी पढ़ाई सब धन्य हो गया है, क्योंकि आज भगवान से मुलाकात हुई। आज जिसको अगर मैं कृपा नहीं करती हूँ, जगत का कुछ PhD डॉक्टर इंजीनियर बना करके संसार में गधा बना, दिन भर संसार की बोझा को ढोते रहो, सवेरे से लेकर शाम तक संसार की बोझे को गधे जैसे पीठ पर ढोते रहो, सरस्वती स्वयं कहती है। जिसको मैं सही सही कृपा करती हूँ उसको मैं भगवान को पहुंचा देती हूँ। आज समझो तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हो गया, तुम्हारी सारे विद्वान तुम्हारी सार्थकता हो गई, तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई सब सार्थकता हो गई है। इसलिए यहाँ पर वो जो विद्वान लोग थे ना पंडित लोग, अधिकार दे रहे हैं सारे जन्म को अधिकार, सारे पढ़ने का अधिकार, साक्षात है यज्ञ स्वरूप भगवान है, यज्ञ स्वरूप हरि है, साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ पर आए, यज्ञ पुरुष स्वयं यहाँ पर आए और हमें मांगा प्रसाद, मांगा भोजन के लिए, हमने भोजन नहीं दिया उनको, उनको निकाल दिया, उनको भोजन नहीं दिया। स्त्रियों को देखो जिनकी उपनयन में संस्कार नहीं, वेद पढ़ने में कोई अधिकार नहीं, जो अपवित्र रहने वाली, ठाकुर जी को सेवा की, इन लोगों ने ठाकुर को सेवा की, धन्य है इनका जीवन है। इसलिए सचमुच से जो वापस आए ना, कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, समझ रहे हो, जिसको पर मैं ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना उसको पर सबके सब कृपा कर देते हैं। सचमुच से जो वापस आए, ये जो बड़े बड़े ब्राह्मण त्रिवेदी चतुर्वेदी थे ना चार वेद, सबके सब पूजा की है, बोले धन्य है तुम्हारे जीवन, तुम लोगों ने भगवान को दर्शन किया, ठाकुर जी को तुमने भोजन कराया, आज तुम्हारे जीवन धन्य है और तुम्हारी वजह से हम भी थोड़ा धन्य हो जाएंगे, क्योंकि चूंकि तुम्हारे हम पति लगते हैं, चूंकि हम तुम्हारी पति लगते हैं इसी वजह से हमारे जीवन भी धन्य हो जाएगा तुम्हारे बीच में। इसलिए कृष्णा ये कालियों को पर क्यों कृपा किया, काली तो नास्तिक था, वो खल जाती थी, दुष्ट स्वभाव का था, लेकिन कृष्ण इनको पर क्यों कृपा की, कारण है इनकी जो पत्नियां है ना कृष्ण भक्त थी, जय द्विजो पत्नी जय नाग कन्यागर भक्ति ते जाहरा पाइल गोविंद चरण, इसलिए ठाकुर जी इनको पर कृपा की है, क्योंकि उनका पत्नियां सब कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण कथा बोलती थी इनको, कृष्ण कथा सुनाया करती थी। इसलिए यहाँ पर जो कथा हमने सुनाई, ये बात को कौन कह रहे हैं, ये बात को कह रहे हैं महाप्रभु का भक्त लोग कह रहे हैं कि देखो जो प्रताप रुद्र राजा है ये क्यों शरीर को त्याग देना चाहते हैं, बोले क्योंकि इनकी चैतन्य महाप्रभु का चरण में प्रेम है, महाप्रभु के चरण में प्रेम है, जिसको प्रति प्रेम हो जाए ना, जब प्रेम हो जाए जैसे ये यज्ञ पत्नियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण को ले गए, कृष्ण के चरण में गए, इसलिए प्रताप रुद्र राजा की प्रेम है महाप्रभु के चरण में, इसलिए ये किसको साथ में राजा से मिलना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या सुनिए, अपना पुत्र को भेज दिए, पुत्र पिता स्वरूप पुत्र होता है, क्योंकि पिताजी वही पुत्र का अंश बेटे में रहता है, पिताजी का अंश बेटे में रहता है, बोले अगर उनको बेटे से अगर महाप्रभु मिलेंगे तो राजा प्रसन्न हो गए, कम से कम मेरे बेटे को महाप्रभु मिले। जब मिल कर वो बेटा वापस आया ना, फिर राजा ने बेटे को उन्होंने आलिंगन किया, बेटे को स्पर्श करते हुए
बोले मेरे जीवन धन्य हो गया है क्योंकि मेरे बेटे को महाप्रभु ने आलिंगन किया। ऐसे करते करते क्या आ गया, आ गया जगन्नाथ जी रथ यात्रा। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा आया, अभी रथ यात्रा से एक दिन पहले महाप्रभु कहाँ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक गुंडीचा मंदिर है जिसको वृंदावन मानी जाती और जगन्नाथ मंदिर को द्वारका मानी जाती है। और द्वारका में कृष्ण जैसे द्वारका में महिषियों के साथ में रहते हैं, रहते तो महिषियों के साथ में, लेकिन चाहते हैं साल में एक बार में अपना ब्रजवासियों से मिलने के लिए जाओ, राधा रानी से, ब्रज गोपियों से, मैया यशोदा से साल में एक बार में मिलना चाहता हूँ, एक बार में मिलना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने स्नान यात्रा हुई, स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी को खूब पानी डाल डाल कर जगन्नाथ जी को स्नान कराया और इतना स्नान कराया ना, इतना पानी में जगन्नाथ जी को बुखार आ गया और जगन्नाथ जी बुखार में पड़े हुए और दवा ववा खा रहे हैं और फल मूल खा रहे हैं। अभी जगन्नाथ जी अभी किसका दर्शन नहीं देते हैं, अंदर में रहते हैं। बोले भैया किस चीज के बुखार है? बोले साधारण बुखार नहीं, प्रेम के बुखार है। हाँ, इनके प्रेम के बुखार है। बोले कौन सा प्रेम की? बोले ब्रज प्रेम की बुखार है भगवान है, उन्होंने बुखार की बहाना बना दिया जगन्नाथ जी। और 15 दिन तक इसको दर्शन नहीं दिया, केवल लक्ष्मी को पास में 15 दिन तक रहा और सर पर हाथ घुमाते थे और लक्ष्मी को, और क्या बोलते थे, बोले तुम एक बार मेरे को आदेश दे दे, मैं थोड़ी सी मैं ब्रज में जाऊं और ब्रज में घूम करके एक दो दिन घूम करके वापस जाऊं है। केवल उनको 15 दिन तक लक्ष्मी को मनाया। हम पहले सुन रहे थे ना, अगर एक व्यक्ति का अगर दो पत्नी हो, अगर पति अगर दूसरे पत्नी से मिलने के लिए चाहती हैं, अगर पति को पत्नी को बोल दे मैं दूसरे पत्नी से मिलने के लिए जा रहे हूँ, पत्नी क्या करेगी? अब लोग क्या कर रहे, रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ा करके बात करेगी, बोले वहीं पर जाओ, आने का कोई जरूरत नहीं, और खाना पीना हराम कर देगी है, खाना पीना हराम कर देगी। इसलिए जगन्नाथ जी उनको पास में बैठ बैठ कर उनको सर पर हाथ घुमा घुमा कर मनाए और उसको बोले मेरे को थोड़ी सी आदेश दे दो, और जो बुखार की बहाना बनाए, जो बुखार से उन्होंने उठे है ना, तो वो कहते बोले तुमने देखा है ना, 15 दिन तक मेरे बुखार में पड़ा था, मन अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा आदेश दे दो, एक दो दिन में सब घूम घाम कर आ जाता। तब बोले कितने दिन के लिए जाओगे? बोले आज जाऊंगा, कल परसों वापस आ जाऊंगा। बोले ज्यादा देर नहीं करेंगे? तो बोले एकदम देर नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी जाऊंगा और जल्दी जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने बहुत उनको मनाया और मना मना करके अभी जगन्नाथ जी जाएंगे कहाँ पर, गुंडीचा मंदिर में जाएंगे, हैं जाएंगे सुंदराचल वृंदावन जाएंगे। इसलिए महाप्रभु क्या किया, उन्होंने अपना है हर साल जो मंदिर को जो सफाई करते थे, जो गुंडीचा मंदिर को सफाई कौन करते थे, सफाई राजा नौकरों को दे करके है, नौकरों को दे करके ये मंदिर को सफाई करा करते थे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, बोले नौकर से ठाकुर का सेवा नहीं होता है, ठाकुर का सेवा तो भक्ति और प्रेम से होता है। और ये सुंदराचल क्या है, कहते वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम, कहते ये सुंदराचल नहीं, कहते ये राधा रानी स्वयं कृष्ण आएंगे बड़े दिनों में, राधा रानी स्वयं अपना हाथों से कुंज सजाएगी। राधा रानी कभी सुंदर फूलों की कुंज सजाती है, कभी सुंदर पत्तों का कुंज सजाती है राधा रानी कृष्ण के लिए। इसलिए जिस कुंज में स्वयं कृष्ण आएंगे, राधा रानी जो कुंजों को साफ करती हैं, और राजा क्या करते हैं, नौकरों को पैसा देकर के कुंज साफ कराते हैं। बोले नौकर से सेवा नहीं होता है, इसलिए प्रभुपाद बोले भृतक सेवक, बोले भृतक सेवक मतलब क्या है, बोले जो भगवान की जो भक्ति व भगवान की सेवा प्रेम से होता है, पैसा से नहीं है, प्रेम से होता है। इसलिए जो नौकर लोग किस क्यों पूजा सेवा कर रहे, कुछ पैसा मिल रहा है, अगर पैसा नहीं मिलेगा फिर करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं फिर। इसलिए महाप्रभु बोले नहीं, इस सेवा को मैं स्वयं करूंगा, अपना भक्तों को साथ में महाप्रभु का भावना, मैं स्वयं राधा रानी हूँ, राधा रानी मैं हूँ और कृष्ण की कुंजों को मैं स्वयं साफ करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने ये सेवा को मांग करके लिया। बोले कौन सा सेवा को मांग करके लिया? झाड़ू लगाएगा। हमारे भारत में झाड़ूदार कहते हैं, झाड़ूदार कहते हैं ना, मेहनतानी कहते हैं, इसलिए झाड़ूदार है। और झाड़ूदार सेवा जो है वो सबसे नीचा सेवा होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान होकर के उन्होंने ये छोटी सेवा को मांग करके लिए, बोले ये सेवा मुझे दिया जाए। और हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भैया भगवान के दरबार में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं,
ठाकुर के दरबार में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। जो मंदिर का सेवा करते झाड़ू लगाते ना साफ तो करोगे, मंदिर का सेवा हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी, हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी। ये सेवा को कौन करती है? राधा रानी स्वयं करती है। कृष्ण जिस कुंज में आते है ना, गोपियां और राधा रानी उसको साफ कैसे? अपना केसों से, अपना केसों से, समझ रहे हो? झाड़ू आप झाड़ू में लगाते है ना, बोले राधा रानी सखियां कृष्ण कुंजों को कैसे से? अपना केसों से झाड़ू लगाती। क्यों? जिसमें कृष्ण आएंगे। ये लड़की जो आई ना, ये पूर्व बंगाल से आई है, ये जो लड़की है इनके देश में हमारे गुरु जी कहते थे, हमारे गुरु जी भी उतरे इनके देश से। जब हमारे गुरु जी कहते, जब संतो लोग वहां आते थे, वहां पर चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा हुई है, वो जिधर से आई है, नरोत्तम दास ठाकुर इनके घर को इधर ही जन्म हुई, पुंडर की विद्या निधि और बहुत बड़े बड़े संत उधर जन्म हुए, बड़े बड़े संत महापुरुष स्वयं गए वहां पर। वहां जब जब हमारे संत लोग जब हम उनको जाते थे इन लोगों को देश में, सारे घर घर से करताल ढोलकी और कांसारी और शंख लेकर के निकलते, और संत लोग जितने दूर से आते थे ना उतना दूर से नए कपड़े को बिछा देते थे, क्योंकि संत लोग चल करके आए कि संतों के हृदय में भगवान का निवास है। अगर संत अगर खुश हो गए तो भगवान अपने आप खुश हो जाए। तो वह हृदय सदा गोविंद हृदय विश्राम, संतों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, इसलिए संतों की सेवा करते थे। और हमारे गुरु जी कहते थे जब उधर जाते थे ना, वहाँ की जो माताएं क्या करती जाती हो, चरण को धोकर कपड़े से चरण को नहीं पोछती थी, अपना केसों से संतों की चरणों को साफ करती थी, पोछा करती थी संतों की केसों से। इसलिए जो राधा रानी की जो निकुंज मंदिर है जिसको राधा रानी स्वयं साफ करती हैं और उसमें नौकर लोग साफ करेंगे, इसलिए महाप्रभु बोले नहीं ये सेवा मुझे दिया करो, मैं करूंगा ये सेवा है। इसलिए महाप्रभु छोटे सेवा को उन्होंने मांग करके लिया है, इतने महिमा है। एक दो कथा सुनाता हूँ, झाड़ू लगाने का कितना सेवा है। जब वहां पर जगन्नाथपुरी में एक राजा हुए जिनका नाम था पुरुषोत्तम जेना, इनका नाम था, और ये अभी नवजवान है, शादी के लायक हो गए, देखने में बड़े सुंदर राजा, कोई के राजा है। अभी राजा जब नवजवान हो गए, अभी उनके लिए लड़के ढूंढे, कहां पर लड़के मिले? एक राज्य था जिसका नाम था कांची, वहां का राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, मिस यूनिवर्स थी, बड़ी सुंदर थी उस समय में। ऐसे राजा भी ढूंढ रहा था, भैया ऐसे मेरी बेटी जैसे सुंदर, ऐसे लड़का भी सुंदर होनी चाहिए, जैसे हमारे भी बड़ा नाम है, ऐसे किसी राजा नामी राजा को साथ में अपना बेटी को हम शादी देना चाह रहे हैं। सुनने ढूंढे ढूंढते ढूंढते उनको पता चला जो पुरी का जो गजपति राजा है वो जगन्नाथ जी के परम भक्त है, और जगन्नाथ जी के साथ में बात करते, मतलब राजा पहले ऐसे होते थे स्वयं जगन्नाथ जी कोई इधर उधर हो ना बात करते थे उनको साथ में, ऐसे राजा थे। और इनका जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है पुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा है। अभी उन्होंने पता चला कि राजा को साथ में अपना बेटी देंगे, उनको पता चला सबसे बड़ा फेस्टिवल जगन्नाथ जी रथ यात्रा है, बोले चलो हम रथ यात्रा दर्शन करके आते हैं, राजा कैसे रथ यात्रा मनाते हैं। जब कांची राजा आए ससुर जी, लेकिन वहां नियम है अभी भी आप लोग टीवी में देखे हुए, जब रथ यात्रा होता है राजा स्वयं सोने की झाड़ू से वो मंदिर पर झाड़ू लगाते हैं, ऊपर में झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आएंगे झाड़ू लगाते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखने के लिए आए ना, देखा राजा स्वयं सारे राज पोशाक उतार करके एक साधारण ड्रेस पहन करके अपना हाथों से उन्होंने झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाए। जब झाड़ू लगा रहे थे इसको देख करके तो उनको बड़ा अपमान बोध हुआ, जिसको साथ में अपना बेटी को मैं शादी दूंगा, अगर मेरे परिवार कभी देखने के लिए आएंगे तो मेरे दामाद कैसे, अगर वो देखेंगे ये झाड़ू लगा रहे लोग बोलेंगे तुमने के झाड़ूदार को अपने बेटी को दे दिया, अपना के झाड़ूदार को बेटी को दे दिया, बड़ा अपमान होगा। इसलिए उन्होंने देख करके ना बड़ा उनको अपमान लगा, और उन्होंने दर्शन करके चले गए, और जो शादी की बात चला रहे थे ना चुप हो गए, बोले भैया हम शादी नहीं दे सकता अपना बेटी को, इतनी प्यारी सुंदरी, इतने मेरा नाम है कि झाड़ूदार मैं नहीं दे सकता, चुप हो गए। इतने में राजा जो पुरुषोत्तम जेना थे, तब उन्होंने के दूत को भेजा, भैया पूछो क्या हो गया, शादी की बात करके हो गया था तय हो गया था, चुप कैसे हो गए? जब वो गया ना एक दूत, जो बोले राजा पूछे शादी की बात चुप कैसे हो गया,
बोले भैया हम एक झाड़ूदार से शादी नहीं दे सकते बेटी को, हमने रथ यात्रा देखने के लिए गए और देखा सबका सामने ही झाड़ू लगा रहा था, भैया अपना बेटी को नहीं दे सकते, हम नाका नहीं कटवाएंगे हैं। राजा को तो जब ये बात सुने, राजा को तो बड़ा अपमान बोध हुआ, बोले हाँ मैं झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार, जगतपति जगन्नाथ जी का है, स्वयं बलदेव प्रभु जी का दासत्व करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के चरणों को लेकर दिन भर बैठी हुई ठाकुर के चरण की सेवा करते राधा रानी, जिस कृष्ण सेवा में दिन भर कृष्ण सेवा में लगे हुए, विश्व ब्रह्मांड जिनकी सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा शंभु अमर पति गणेशाचितपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, पर जिनकी सेवा कौन करते, बोले ब्रह्मा शिव अमर पति कौन इंद्र गणेश, माँ लक्ष्मी जिनकी चरणों की सेवा करते हैं, हम सेवक हूँ झाड़दार हूँ, लेकिन किसका झाड़दार, जगतपति जगन्नाथ का झाड़दार है, मैं तो झाड़ूदार हूँ, उनको बड़ा अपमान लगा सुन करके। तो राजा बड़ा क्रोध आया, बोले जाओ काशी राजा को बोलो कल उसको साथ में मैं युद्ध करने के लिए आऊंगा सैन्य सामग्री को लेकर के, और उसको परास्त करके उसको बेटी को ला करके एक झाड़ूदार से शादी दूंगा, इतना अपमान है, इतना अपमान है, और उनको साथ में सर्तक सर्तक किया, इनका जो इष्ट जगन्नाथ जी और उनका जो इष्ट गणेश है, बोले अगर मैं हार जाऊंगा मेरी जो इष्ट जगन्नाथ जी उनकी जो इष्ट गणेश जी को पीछे जाकर बैठना पड़ेगा, अगर वो हार जाएंगे तो उनका जो इष्ट गणेश है हमारी इष्ट जगन्नाथ जी को पीछे बैठना पड़ेगा, इनका तरफ ये सतरा। राजा गए, राजा जा करके घनाघोर युद्ध किया, लेकिन युद्ध करते 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 सवेरे से शाम तक हो गया, लेकिन परास्त नहीं कर पाए, परास्त नहीं हो पाया है, क्यों परास्त नहीं हो पाया, उसको जो इष्ट गणेश है उसको गोद में एक सिद्धि देवी, एक देवी है सिद्धि देवी, कभी अगर जाएंगे आप लोग पूरी आप देख लेना, ठीक जगन्नाथ मंदिर को पीछे गणेश बैठे हुए और उनको गोद में एक देवी देखना, वो बड़ी चमत्कारिता है, कहते राजा जितने सैनिक को मारते थे वो जो देवी थी ना उतना सैनिक को प्रसव करते थे, मारने का साथ अपने आप सैनिक को प्रसव हो जाती है, इसलिए युद्ध करते करते जितने मारे है ना उतना सैनिक आ रहे, लेकिन उनको ये पता नहीं चला, शाम हो गया वापस चले आए, और वापस आकर ना सीधा जगन्नाथ मंदिर में गए, बोले प्रभु मैं दिन भर युद्ध करते करते मैंने परास्त नहीं कर पाया, लेकिन याद रखो अगर मैं हार जाऊंगा ना आपको जाकर के उनको इष्ट गणेश को पीछे बैठना पड़ेगा, और ये युद्ध मेरे नहीं तुम्हारी युद्ध है, मैं क्यों युद्ध कर रहा हूँ, चूंकि मेरे तुमने अपमान किया, बोले झाड़ूदार में झाड़ूदार तो हूँ लेकिन तेरा झाड़ूदार हूँ, साधारण व्यक्ति का मैं झाड़ूदार नहीं हूँ, इसलिए आप याद रखो ये चीज को, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए चले आए, जब चले आएगा इतने में स्वयं कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलराम स्वप्न दिया, बोले कोई चिंता मत कर कल हम दोनों भाई तेरे साथ में युद्ध कर ले जाएंगे, स्वप्न दिया जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी सबेरे सबेरे उठ गए, कृष्ण बलराम सबेरे सबेरे उठ गए, और दोनों भैया एक काले घड़े और एक सफेद घड़े, एक नीलांबर और पीतांबर, एकदम धनुष बाण लेकर के पूरी गए ना, पूरी जाकर के जो दक्षिणी दरवाजा में देखना, जो दक्षिण चार दरवाजा ना उनकी, जो दक्षिणी दरवाजा में आप प्रवेश करोगे देखोगे दोनों भाई कैसे दोनों बैठे हुए घोड़े के ऊपर, दोनों भाई रूप देखना, वो दोनों भैया उठ करके ना एकदम सबेर सबेरे चल पड़े, जब चल पड़े चलते चलते जब थोड़ी दूर गए ना दोनों भैया को भूख लग गई, सबेरे को तो नाश्ता ही नहीं किया, जब भूख लग गई देखा एक ग्वालिनी वो दही बेच रही है, बोले भैया आप दोनों भैया को भूख लग रहा है तो दही खिला दोगे, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर बालक है, कृष्ण बलराम थे ना, क्या सुंदर दो बालक, बोले तुम्हें नहीं पिलाऊंगा तो मैं किसको पिलाऊंगी, दोनों तो दही मक्खन चोर है दही खाने वाले आदत है, उसको पास में जितने दही थी ना बढ़िया मीठा दही थी, हाँ उड़ीसा में मतलब बसा दही कहते हैं, वो दही को पहले जानते हो कैसे गर्म करते थे, अगर तुम लोग कोई गांव से होते तो पता होगा कंडे से, उसको अगर मिट्टी का पात्र में रख लेते थे दूध, वो गर्म होते होते एकदम लाल बन जाती थी, और इसको ऊपर इतने बड़े उसको इतना बड़े क्या सर पड़ जाता था, हाँ मलाई पड़ जाती थी, इतने मोटे मलाई,
और दूध एकदम लाल बन जाके प्योर गैया के दूध, उसमें चीनी देने का जरूरत नहीं है, राबड़ी जैसे है, इसलिए बड़े सुंदर दही बनाते। और दोनों भाई ना पूरा के पूरा दही खा लिया, खा लिया। उन्होंने पैसा ना के बोले पैसा दो, पैसा तो है इधर उधर झांक के, वो इधर उधर इसको देख रहे, उसको बोले पैसा तो है। तो बुआ भी बोले भैया इससे बेच करके दो पैसा रोजगार करके मैं अपना संसार चलाती हूँ, और तुम लोग बोले पैसा नहीं, पहले खाए कैसे, अभी संसार कैसे चलाऊंगा, संसार कैसे चलाऊंगा। उन्होंने बोले देखो हमारी जो पीछे है ना, हमारे राजा आ रहे, राजा गजपति, पूरे राजा को राजा गजपति कहते हैं, हैं पुरुषोत्तम जना राजा गजपति आ रहे हैं, हम उनको देने सैनिक, हम दोनों भैया जा रहे हैं, उनको बोल देना जे आपका दो सैनिक आगे गए काले सफेद घोड़ा में बैठी करके और हमें दही खा लिया, पैसा दे दो, दे देंगे। बोले भैया पता कैसे चलेगा, पता तो चले तुम लोग खाए कि नहीं। इतने में जो कृष्ण का हाथ में ना एक मुद्रिका की रिंग थी, वो हीरे की है, वो हीरे की, उन्होंने उतार करके बोले ये लो राजा को दिखा देना, वो पहचान ले। और हीरे की उनको तो हीरा पता नहीं, वो सोच रहे थे खाए दही खाए और एक मेरे को पत्थर देकर चली गई, लेकिन वो था हीरे की, वो था हीरे की, है समझ गए कि नहीं, वो हीरे की थी, हीरे बहुत कीमती होता है, बोले दे करके चली गई। जब राजा जो आए सन्यासाम के साथ में जो गुआ लेनी, बोले महाराज रुक जाओ महाराज। बोले क्या बात है, बोले आपका दो सैनिक आगे गए हैं और हमारे दही खा कर गए, पैसा नहीं दिया। बोले हमारे राजा पीछे आ रहे, बोले हमारा कोई सही गई, लेकिन उनको पता नहीं ना भगवान गए, उनको पता नहीं। बोले प्रमाण क्या, बोले देखो ये प्रमाण है, ये मुद्रिका हमें देख रही है। राजा जब देखा, बोले मैंने तो जगन्नाथ जी धारण कराया था ये मुद्रिका, और वो मुद्रिका पर जगन्नाथ जी का नाम हीरे की मुद्रिका, बड़ी कष्टी था है। जब वो मुद्रिका को देख लिया ना राजा, हृदय गदगद हो गया, घोड़े से उतरे, उसको चरण में प्रणाम किया, बोले तू बड़े भाग्यवती हो, वो दोनों भैया कोई नहीं स्वयं जगन्नाथ बलदेव है, स्वयं ठाकुर जी जगन्नाथ बलदेव स्वयं वो युद्ध करने के लिए गए, तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है, ठाकुर जी तुम्हारी दही खा गए। राजा प्रणाम किया और उसका जो झोली है ना रत्नों से हीरे जवाहरातों से उसका झोली को भर दिए, बोले तुम यहीं पर खड़े हो, खड़े होकर जितना दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, ये जितने दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, आज से यहाँ का राजा रानी तुम बनोगी, रानी तुम बनोगी। और उसको है जो प्लेट में पहले होता था, प्लेट होता था जैसे इस प्लेट उसमें लिख करके आज से तुम रानी हो, हैं पितल का प्लेट में रानी बोलकर देकर गए। और अभी भी वो गांव का नाम, उसका नाम थे मानकी, अभी भी वो गांव का नाम है मानकी पटना, उसी के नाम पर है। और जब राजा गए ना, देखा ठाकुर स्वयं कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं जगन्नाथ बलदेव, और युद्ध करते करते जितने सैनिक मार रहे थे ना, उतना सैनिक आ रहे थे कहीं से गई, अरे ये क्या, ये सैनिक खत्म नहीं हो रहे, क्या बात है। तब उन्होंने पता लगाया तो वो जो गणेश जी है उनकी गोद में जो देवी है ना, वो देवी की ये चमत्कार क्या है। जगन्नाथ जी को तो बड़ा क्रोध आया, जगन्नाथ जी उठाया धनुष, किसको ऊपर, गणेश जी के ऊपर। अगर सन्यास प्रसव करना अगर बंद नहीं होगा, प्रकट होना, फिर तेरे को मैं मार डालूंगा। जो उन्होंने बाण उठाया ना गणेश जी को मारने के लिए, गर्दन थरथर कांप उठे, गणेश जी डर गए। खैर सैनी के प्रसव हो रहे थे, हो गया बंद, बंद हो गया। तो राज जगन्नाथ जी परास्त किया राजा को परास्त करके बंदी बनाया, और बंदी बना करके ला करके राजा के पास में डाल दिया। राजा बंदी बना इसको, अभी आज से ये तुम्हारी अधीन में, ये परास्त हो गया। खैर वहां से राजा चार चीज लाए थे, वो वहां से क्या क्या लाए थे। पहला नंबर मयूर सिंहासन, जिसको ब्रिटिश ने ले लिया, मयूर सिंहासन बड़े कीमती, मयूर सिंहासन हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, बड़े कीमती मयूर सिंहासन था, उसको लेकर के आए थे। दूसरे चीज, अब पुरी में जाओगे जो गंभीर है, महाप्रभु जहाँ पर 16 साल के थे, वहां पर जो कृष्ण है जिनका नाम राधा कांत है, और राधा कांत विग्रह को लेकर के आए। जो तीसरी चीज लाए वहां से जो गणेश जी, वो जो थे गणेश, वहां पर सत्य था ना, जो हार जाएगा उसका इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा,
इसलिए अभी भी गणेश जी जगन्नाथ जी मंदिर को पीछे उनका मंदिर है। और जो चौथा चीज लाए उनका जो बेटी राजकुमारी को, वहां से राजकुमारी को लाए और मंत्री को बोले महामंत्री इसको किसी अच्छे झाड़ूदार से साथ दिला। और मेरे को उसने झाड़ूदार बताया इसलिए कोई अच्छे झाड़ूदार से साथ दिला देना। अभी मंत्री तो चिंता में पड़ी गई, ये तो यही स्वयं रानी बनने वाली थी, बड़ी सुंदर थी राजकुमारी। और राजा बोले इसको कोई झाड़ूदार से साथ दी गए। मंत्री तो बड़े चालाक होते हैं, बोले एक काम किया, दूसरे मंत्री से परामर्श करके लड़की को छुपा कर रख दिया। बोले एक साल के बाद में रथ यात्रा होगी, फिर राजा झाड़ू लगाएंगे, फिर हम इसको दुल्हन बना करके राजकुमारी बना करके फिर राजा से शादी करा दी। एक साल बाद उसको छुपा करके रख दिया। एक साल के बाद में फिर रथ यात्रा आई, फिर राजा जब उन्होंने झाड़ू लगा रहे थे ना, राजकुमारी को दुल्हन बना दिया, पालकी में बैठा करके गाजे बाजा को साथ में लेकर के बोले जाओ राजा की गले में माला डालो। जब राजकुमारी राजा की गले में माला डाले, राजा बोले महामंत्री मैंने कहा था किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी देने के लिए, आपने क्या किया? बोले महाराज आप जैसे अच्छे झाड़ूदार कहाँ मिलेगा, सबसे अच्छे झाड़ूदार तो आप ही हो ना, आपसे बढ़िया कोई झाड़ूदार थोड़ी हो सकता है। आप उसको ग्रहण करो, आपकी पत्नी बनने वाली थी, आप दयाल हो, जगन्नाथ जी भक्त हो, आप इसको कृपा कर ग्रहण करो। राजा ने उसको ग्रहण किया। देखो ये जो झाड़ू लगाने की सेवा में कितने महत्व है, स्वयं भगवान भी, स्वयं कृष्ण बलराम जिनके लिए युद्ध करने के लिए जाते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं। जब महाप्रभु थे, महाप्रभु रहते समय हम पहले बताया ना, जब सब महाप्रभु बोले अगर नहीं, राजा बोले अगर मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं होगा तो मैं सन्यासी बनकर चले जाऊंगा, लेकिन महाप्रभु मना कर दिया। लेकिन महाप्रभु रथ यात्रा दर्शन के लिए आए, जब रथ यात्रा दर्शन करने के लिए आए, देखा राजा स्वयं झाड़ू लगाए, राजा पूरी रात झाड़ू लगा, साधारण एक ड्रेस पहन करके जगन्नाथ जी को सामने झाड़ू लगा रहे। जगन्नाथ जी को स्वयं कृष्ण ही, महाप्रभु ही जगन्नाथ है, महाप्रभु तो जगन्नाथ है ना, कृष्ण स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कहते उनके लिए झाड़ू लगा रहे। राजा बोले उत्तम हैया कर अथम सेवन, कहा राजा जी राजा और कर रहे हैं क्या, झाड़ू लगा रहे हैं। बोले अतएव तुम ही हो जगन्नाथ रे कृपा भाजन, तुम जगन्नाथ जी की पात्र तुम ही हो, क्योंकि इतने बड़े उच्चे होकर के अपना अभिमान पे छोड़ करके भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रहे हो, इसलिए तुम भगवान की कृपा पात्र। देखो महाप्रभु कैसे कृपा किया, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर सामने सात दल होकर कीर्तन कर रहे थे, रथ यात्रा में सात दल बनाया, अलग अलग सात दल बनाए और महाप्रभु सात दल में कीर्तन कर रहे थे। जो कीर्तन कर रहे थे वहां पर प्रताप रुद्र महाराज भी दर्शन कर रहे थे, महाप्रभु कैसे भक्तों को साथ में नृत्य कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या देखा, ये लीला किसने नहीं देखा, केवल राजा प्रताप रुद्र क्या देखा, महाप्रभु सात दल में अलग अलग रूप में नृत्य कर रहे हैं। जैसे कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण जैसे रास लीला कर रहे थे ना, देखा महाप्रभु भी सात दल में सात रूप धारण किए, लेकिन ये चीज को कोई नहीं दर्शन कर रहे थे। कौन दर्शन कर रहे थे? राजा। इतने में राजा सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, देखो यहाँ भी महाप्रभु नृत्य कर रहे, लेकिन यहाँ पर भी महाप्रभु, यहाँ पर भी महाप्रभु, सर्वत्र महाप्रभु महाप्रभु। देखो तुम सोच रहे हो महाप्रभु तुम्हें दर्शन नहीं दिया, लेकिन सचमुच से तुम पे हृदय से महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, हमको दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन तुम ही कर रहे हो। मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर में इनडायरेक्ट रूप में तुम्हारे ऊपर में महाप्रभु का कृपा है, इसलिए चिंता मत करो। फिर कैसे कृपा हुई देखो, फिर जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा आता है ना, वहां पर बीच में एक स्थान है जगन्नाथ वल्लभ वाटिका, जिसमें बड़ी सुंदर फल फूल होता है, तो जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वहां से जाता है, रात वहीं पर रुकती है और जगन्नाथ जी को बड़े सुंदर सुंदर वहां भोग लगता है तरह तरह का। अब चैतन्य चरितामृत पढ़कर देखेंगे तो फट पढ़ कर हैरान हो जाओगे, जगन्नाथ जी क्या खाते हैं, कितने तरह का चीज जगन्नाथ जी को भोग लगता है, हां वहीं पर जगन्नाथ जी को भोग लगता है। और वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भार में विभावित होकर के है, वही तुम कृष्ण, वही मैं, वही पर मैं राधा हूँ, आप वही कृष्ण हो। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में उनका मिलन हुई, वहां पर राधा ने क्या कह रहे, बोले हे श्याम सुंदर
यद्यपि वही कृष्ण में वही राधा हूँ, लेकिन जब वृंदावन में जहाँ पर सुंदर यमुना कलकल नाते से बह रही है, जहाँ पर सुंदर कदम वृक्ष है, जहाँ पर बेली चमेली जुई खिला हुआ बड़े सुंदर मनोरम स्थान है, जब हम दोनों वहाँ कुंज में मिलते थे, जो आनंद है वो आनंद यहाँ नहीं। अगर हमें आनंद देना चाहते हो, हमारे हृदय विराट में बैठो और आपको हम वृंदावन ले जाएंगे। सर जब निकुंज में मिलेगा आनंद, ये रथ यात्रा है, इसलिए महाप्रभु उसी भाव से रथ यात्रा रथ को लेकर के आते थे। लेकिन जब श्री वहीं पर जब जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में महाप्रभु उसी भाव से एकदम बेहोश होकर पड़े रहते थे, हैं बेहोश होकर पड़े रहते थे, वहीं पर इसी भाव से रथा रहे। इतने में जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, राजा प्रभु जल्दी जल्दी आओ, अपना राज पोशाक को परित्याग करो और साधारण एक धोती कुर्ता पहन लो और पहन करके महाप्रभु की चरण की तुम सेवा करो, चरण दबाओ। महाप्रभु तो बेहोश होकर पड़े हुए और उनका चरण दबाओ और क्या गाओ, उनको चरण में जब गोपी गीत गाओ, तो उन्होंने गोपी गीत गाते हैं, बोले जयती जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र दैत दृक्षता दीक्षुताब का तोई धृतात् सब त्वां विचीर्णते। बड़े सुंदर गोपी गीत गाते हैं, गाते गाते जब उन्हें बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम, जो ये श्लोक गाए ना महाप्रभु इतना खुश हो गए। देखो अच्छी चीज को समझो, क्यों महाप्रभु खुश हुए ये चीज को समझो। महाप्रभु खुश हो करके बोले ये कृष्ण कथा को जो दान करते हैं ना, जगत में सबसे बड़े दाता है महाप्रभु। तो इतने में महाप्रभु ने भूलदा जना है बोल करके उन्होंने राजा को आलिंगन किया, बोले क्या तुमने कीर्तन नहीं, जैसे तुमने हमें रस को पान कराया, रस पान कराया। अभी प्रश्न महाप्रभु इतना क्यों खुश हूँ, कारण क्या, बोले कारण है ये चीज को समझ लो, कारण है जो कृष्ण कथा की महिमा को यहाँ समझा रहे हैं। जो जैसे कृष्ण चले गए राधा रानी को छोड़कर, कृष्ण चले गए द्वारका, मथुरा चले गए द्वारका चले गए, लेकिन कृष्ण विरह अवस्था में जो कृष्ण कथा है, जो कृष्ण कीर्तन है ना, कहते कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है, वो अभिन्न है कृष्ण कथा कृष्ण। जैसे हम यहाँ पर बैठ कर कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा, मानो साक्षात रूप में कृष्ण का ही संग हम कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ पर है, बंगला में कहा बताए, कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा है। बोले कृष्ण कहाँ पर है, बोले कृष्ण कथा जहाँ पर ना कृष्ण वहीं पर है, जहाँ कृष्ण कथा कृष्ण नाम कीर्तन होना कृष्ण वहीं पर ही कृष्ण, जो कृष्ण कथा सुनते हैं मानो कृष्ण से ही मिल रहे। कृष्ण कथा सुनना कृष्ण से मिलना कोई अलग बात नहीं। इसलिए राधा रानी भी कृष्ण विरह में व्याकुल थी, लेकिन जब गोपी गीत को गाए ना कृष्ण कीर्तन कृष्ण कीर्तन कृष्ण, यही वस्तु है। महाप्रभु कहते हैं राधा रानी जगत में सबसे बड़ा दानी हुई जो कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा को जो दान करते हैं। कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, और प्रसन्न हो गए और उनका आलिंगन करके बोले क्या तुमने रस हमें पिलाया। देखो झाड़ू लगाने का क्या फल हुआ, साक्षात महाप्रभु का आलिंगन, महाप्रभु का आलिंगन किया उनको घर में, महाप्रभु उनको घर में कृपा की है। इसलिए कृष्ण कथा की बड़ी महत्व है, मंदिर में झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते है ना, अब भगवान के मंदिर में झाड़ू नहीं लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, राधा रानी के निकुंज मंदिर में, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा बड़ा भाग्य की बात है, ठीक है ना। इसलिए देखो समस्त जितने भक्त है, तुम्हारे घर भी वृंदावन है। जब कोई भक्त अपना घर में झाड़ू लगाए, कहाँ पर झाड़ू लगाते हो, हाँ वृंदावन राधा रानी निकुंज मंदिर में, क्योंकि यदि न गृह भजन देखे गृह गोलक भाई, जिस घर में ठाकुर का भक्ति पूजा हो ना वही वृंदावन नाम। इसलिए घर में जब झाड़ू लगाओ ना, क्या समझ करके हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाए, हमारा घर नहीं कि ठाकुर जी के भक्तों का घर नहीं, भक्तों का घर ही भगवान के मंदिर है, ठीक है ना। और जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाएगा तो अपना हृदय ही में झाड़ू लग जाएगी, ठीक है।
बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, पिताजी गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल की जय। हरे कृष्णा। कल कहाँ प्रोग्राम करूंगी? कल सुबह हमारे घर पे। कितने बजे? लाइक 10:30। I just saw Paran starts at 10:15. Paran is after 10:15 tomorrow. Paran. हरे कृष्ण। आप लोग है ना, जैसे कोई प्रसाद होगा ना, थोड़ा पास में प्रसाद, 10:15 बाद में, बहुत कम समय है, उसी समय करना। कितना समय का अंदर प्रभु जी बोलो? इमीडिएटली आफ्टर 10:15। क्या 10:15 को बाद में? 10:15 के 15 मिनट बाद में, 40 के अंदर में? नहीं, 10:14 हो जाएगा उसी समय, जैसे 14 लगे समय एकदम। 10:14 को बाद में, और 1 मिनट में, 1-2 मिनट में क्या बोल रहे सब? प्रभु आप बोल रहे सबको, कल पारण बोल दे सबको, अंग्रेजी में बोल दो। पारण टुमारो मॉर्निंग इज ओवर टाइम बिकॉज़ इट स्टार्ट्स एट 10:14 एंड इट नो फिनिश टाइम इज गिवन बट इट सेज इमीडिएटली आफ्टर, सो यू मस्ट डू इट विद इन 2 or 3 minutes, सो यू हैव टू वॉच द क्लॉक एंड वेट program बचे है महाराज जी का, so don't miss any of them. There are only 3 programs left for Maharaji, tomorrow morning, tomorrow evening, and then on Sunday evening. So make sure you attend all of them. Hare Krishna. We'll have aarti now. We will give them an aarti. Hare Krishna.